से। हाय हाय शाह जी, सवाल ये है कि बहुत ही बेहतरीन ट्रेलर है, लेकिन सवाल ये है कि कबीर सिंह के हमने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट अंदाज देखे, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल देखे, जैसे अल्कोहल लेता है, स्मोक करता है, वो आइस को अपने पैंट में रखता है, आपका कौन सा फेवरेट रहा? आइस को पहन के रखता है, पैंट में रखता है, पैंट में रखता है, आपका कौन सा फेवरेट रहा? एंड शूटिंग के दौरान आपको बहुत ही आपको एंजॉय किया? बहुत गर्मी थी, आइस वाला मस्त था, एंजॉय किया, बहुत गर्मी थी, आइस वाला मस्त था। बहुत गर्मी हो जाती है ना बॉम्बे में। एंड कियारा जी, तकरीबन हाय कितने किसिंग सीन होंगे आपके एंड शाहिद के? नहीं नहीं गिने नहीं, अभी आपको देखना पड़ेगा 21 जून। उसी का पैसा है, उसी का पैसा है। शाहिद सर, ऑल राइट अरुण, वी विल कम बैक टू यू, एक सेकंड बस, वी विल जस्ट टेक द चेयर्स, या एक सेकंड ना। शाहिद सर योर लेफ्ट, चेयर लगा ले यार, एक मिनट। अरे 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 बैठने तो देंगे हम उसको, फिर साफ भी करना पड़ेगा, थोड़ा डस्टी है। चेयर लगा ले यार, एक मिनट। अरे 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 बैठने तो देंगे हम उसको, फिर साफ भी करना पड़ेगा, थोड़ा डस्टी है जी। किधर थे हम लोग? राहुल यार फ्रॉम द फिल्मी चर्चा, मेरा सवाल आपसे ये था, सबसे पहले तो ट्रेलर बहुत ही बेहतरीन था और थैंक यू बड़ी। और एक चीज आपने नोटिस किया होगा, टीजर में भी गाली थी, अभी भी नोटिस किया होगा कि आपके एक्शन और रोमांस से ज्यादा आपकी गाली पे सीटी बजी थी सर, तो मेरा सवाल ये था, खैर फिल्म में तो गालियां मनोरंजन के लिए डाला गया है, पर आपका रियल लाइफ में गाली से कैसा एक्सपीरियंस है? आखिर आपकी नजरों में गाली है क्या और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है सर? बेटा PhD करना पड़ेगा ये सवाल का, गाली के ऊपर आज तक PhD का ऐसा कहीं पे भी सिलेबस में है नहीं, सिर्फ कबीर सिंह के सिलेबस में हो। नो बट मैंने इसलिए शुरुआत में जब हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात की थी फिल्म की, मैंने यही कहा था कि प्लीज़ आप फिल्म की जो सोल है, फिल्म की जो लव स्टोरी है और जो कैरेक्टर का पेन है, प्लीज़ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप 2-2.5 मिनट का ट्रेलर देख रहे हैं, उसमें ज़्यादातर फिल्म की कहानी, और क्योंकि ये टाइटल रोल है इसलिए कैरेक्टर का एटीट्यूड, क्योंकि आप कबीर सिंह को देखने आ रहे हैं, सो यू वुड नीड टू नो कि कबीर सिंह है कौन, मैं 2-2.5 घंटे उसको झेल पाऊंगा नहीं झेल पाऊंगा, मुझे एंटरटेन करेगा, मुझे रुलाएगा, मुझे हंसाएगा, क्या करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ कबीर सिंह एंड द हेड स्पेस ऑफ द कैरेक्टर। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं वो कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगता, जब मैंने ओरिजिनल भी देखी थी इसकी, एक्चुअली ओरिजिनल फिल्म है अर्जुन रेड्डी जो काफ़ी सिमिलर फिल्म है, तो अगर आप वो देखेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि ये 2.5 मिनट के अंदर इतना ही समझा सकते हैं हम लोगों को, लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे 2.5 घंटे की, यू विल अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ द कैरेक्टर एंड होपफुली यू विल कम अवे विद समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज द लव स्टोरी इज़ वेरी पैशनेट एंड वेरी ऑनेस्ट। येस द कैरेक्टर हैज़ अ क्रेजी एटीट्यूड एंड येस दैट्स एक्साइटिंग, बट द फिल्म इज़ नॉट जस्ट एक्साइटिंग, देयर इज़ अ लॉट मोर टू इट। शायद ऑन योर लेफ्ट, हाय दिस इज सिमरन सिंह हियर एंड कांग्रेचुलेशंस टू द टीम फॉर द फैंटास्टिक ट्रेलर। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको जब हमने जब भी ऐसे रोल्स में देखा ना, एजी रोल, जैसे हमने अभी जस्ट आपने भी बात की कमीने हो गई या हैदर हो गई या उड़ता पंजाब, ऑल दिस फिल्म्स, एंड अगर बात करें तो एक जो कमर्शियल एक जो एलिमेंट होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग होता है, बट इस मूवी में वो दिखाई दे रहा है, तो आप वो बताइए कि हाउ डिफरेंट इज इट व्हेन यू प्ले सच अ रोल और व्हेन यू चूज सच अ फिल्म, यू हैव टू, बिकॉज हमने अर्जुन रेड्डी देखी है, इट्स अ वेरी डार्क फिल्म, मतलब देखा जाए तो उसको एक जिस हिसाब से ट्विस्ट किया गया है, जो ऐड किया गया बॉलीवुडनेस जो हम अगर कहे, सो यू ओनली सर, आप ही बताइए। आई थिंक कुछ हद तक इस सवाल का जवाब संदीप को देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट यू लाइक द ट्रेलर। अर्जुन रेड्डी अगर आपने देखी है तो वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी लोगों को, एंड बिकॉज इट्स अ लव स्टोरी एंड इट्स अ स्टोरी अबाउट हार्ट ब्रेक ऑल्सो, तो उसके अंदर ऑफकोर्स इमोशनल मोमेंट्स होंगे, पैशनेट मोमेंट्स होंगे, टेक्निकली डार्क मोमेंट्स होंगे, लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फिल्म एंड अ वेरी पैशनेट फिल्म। इसको कहीं भी बॉलीवुडाइज वर्ड मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है, बिकॉज उसका मतलब क्या होता है मुझे पता नहीं, कौन सी चीज़ें फिल्म को बॉलीवुडाइज करती हैं। अगर देखा जाए तो नहीं, फिल्म की जो एनर्जी है और जो वर्ल्ड है हमने उसको चेंज नहीं किया है,